फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 27 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी और मुद्रा। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व बैंक ने जारी की है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है विश्व बैंक। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जाएगी और पिछले 30 वर्षों की न्यूनतम गिरावट देखी जाएगी, और जो GDP सकल घरेलू उत्पाद रहेगा, इसकी वृद्धि दर 2.4% रहेगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्यर्थ पर खर्च मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश पर फोकस करें। किस पर फोकस करने को बोला है? निवेश पर। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, इसकी फेमस बैठक होती है दावोस में। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक, इसके अध्यक्ष वर्तमान में है अजय बंगा, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसका अन्य नाम है IBRD। IMF, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसका नवीनतम सदस्य है अंडोरा 190 नंबर का। IMF की मुद्रा है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण मुद्रा। विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका WTO, स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट आपका ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत की रैंक है 40। नेक्स्ट आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। शेयर मार्केट में भारत की रैंक है 4th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 7th। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126। पीस इंडेक्स 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 127 है, और यह किसके द्वारा जारी होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, और यह रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में SpaceX के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? इनका नाम है अल्पर गेजे रावशी। X3 मिशन, इसको लॉन्च किया गया है SpaceX जो कंपनी है, इसके जो रॉकेट है Falcon 9, इसे लॉन्च किया गया है कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर USA से इसको लॉन्च किया गया है X3 मिशन। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अंतरिक्ष में कमरा है, इसको कहा जाता है ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। यहाँ पर यहीं पर ये 4 अंतरिक्ष जाएंगे, वहाँ पर मतलब देखेंगे, वहाँ पर रिसर्च करेंगे। तो इसमें इस 4 लोगों में से एक तुर्की देश का पहला अंतरिक्ष यात्री शामिल हुआ है जो जा रहा है, इसी का नाम है अल्पर गेजे रावसी। और जिससे ये लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष पर, जिसमें बैठकर, उस क्रू कैप्सूल का नाम है फ्रीडम। नेक्स्ट है आपका, तुर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ की मुद्रा है लीरा। एशिया माइनर का पठार यहीं पर है, इसे अनातोनिया का पठार भी कहा जाता है। वोन गोलू झील तुर्की में है। विश्व का सर्वाधिक लवणता युक्त झील है वोन गोलू झील। यूरोप और एशिया महाद्वीप में आता है। यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट है आपका, आर्टेमिस मिशन नासा का मिशन है, चांद पर मनुष्य को फिर से उतारना इस मिशन का उद्देश्य। इसमें भी 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, और इसमें जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष कौन है? क्रिस्टीना कोच हैं। नेक्स्ट है आपका, टेस्ट व्हीकल डेमो फर्स्ट, इसको कहा गया है TVD1। गगनयान मिशन का पहला प्रयोग किया गया था, इसी का नाम है TVD1। ये क्रू मॉडल है। नेक्स्ट आपका, इसरो ने GSAT-20 लॉन्च किया है Falcon 9 रॉकेट से, SpaceX कंपनी का रॉकेट है। नेक्स्ट आपका, PSLV C-58 से एक्सपोसेट और POEM-3 को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा जो चंद्रयान 3 था, ये चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है, और जहाँ पर लैंड किया है उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट आपका, PSLV C-57 से Aditya-L1 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? दावोस। विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन, अलायंस कहा जाता है गठबंधन को, इसकी घोषणा की गई है विश्व आर्थिक मंच, इसकी बैठक हुई है दावोस में। यहीं पर भारत ने इस जो घोषणा है इसकी घोषणा की है, सॉरी, विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा की, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया है? भारत ने निर्माण किया है। तो इसकी घोषणा भारत के द्वारा यहीं पर की गई है दावोस में। इसका उद्देश्य है महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम के ऊपर निवेश करना, और इसका भागीदार कौन है? इन्वेस्ट इंडिया और बिल एंड मेलिंग गेट्स फाउंडेशन। नेक्स्ट है आपका, नोट है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसी के द्वारा मत्स्य पालन समिति, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत को, और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है, हेडक्वार्टर रोम इटली में। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? फूड दिवस, फूड डे। नेक्स्ट है आपका, ललन टॉप बिग कैट अलायंस, शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, प्यूमा, जुगार, जगुआर, ये इनके संरक्षण के लिए अभी हाल ही में ये गठबंधन हुआ है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 2023 में
जो हुआ था भारत मंडपम में, यहीं पर भारत के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityour, तो वहाँ पर मैंने बताया किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ चार्ज लगाया है। नेक्स्ट है आपका G20 2023, इसका आयोजन किसने किया था? भारत ने। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम और इसमें नया सदस्य शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में, इसमें 55 देश शामिल है। G20 2024 की अध्यक्षता करेगा ब्राजील। नेक्स्ट है आपका NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका अभी हाल ही में नवीनतम सम्मेलन हुआ है कम्बाला युगांडा में और भारत की तरफ से यस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान किया करने की घोषणा की गई है? विंदेश्वर पाठक को पद्म पुरस्कार। इसकी शुरुआत होती है 1954 में। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न और दूसरा सर्वोच्च है पद्म विभूषण। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे पद्म पुरस्कार हैं। भारत रत्न 49 नंबर का भी घोषणा हुआ है कपूरी ठाकुर को देने को। ये बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं। यह जननायक इस नाम से भी फेमस है कपूरी ठाकुर। आप देखते हैं पद्म विभूषण 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है 2024 में। बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है। बिहार के रहने वाले, इन्होंने सुलभ शौचालय के ये फाउंडर थे। सार्वजनिक काम करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अभिनेता चिरंजीवी, इनको कला के क्षेत्र में भी मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है आपका वेंकैया नायडू, ये भी पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया है, आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है आपका वैजयंती माला, अभिनेत्री हैं, भरतनाट्यम कला से संबंधित हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है आपका पद्मा सुब्रमण्यम, यह भी तमिलनाडु की हैं, भरतनाट्यम कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका पद्म भूषण, यह मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, एक्टर हैं। और दूसरा मिला है फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यही थी फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट आपका पद्मश्री, देखिए रोहन बोपन्ना को मिला है, डबल्स में वर्ल्ड में नंबर 1 है, इस समय टेनिस के खिलाड़ी हैं। और दूसरा जोसन्ना चिंपा, स्क्वैश के खिलाड़ी, इनको मिला है। और तीसरा मिला है पार्वती बरुआ, इनको मिला है असम की रहने वाली और पहली महिला महावत है, मतलब हाथी को संभालने वाली है पहली महिला, इनको मिला है पार्वती को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिस किसने जारी किया है? प्रथम NGO ने, ASER एनुअल सिचुएशन एजुकेशन रिपोर्ट, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है? प्रथम NGO। इसकी शुरुआत होती है 2005 में। अभी हाल ही में 18वें क्रम का 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया। इसका शीर्षक रखा गया है बियॉन्ड बेसिस। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे का नामांकन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, इसके बारे में पूछा जा रहा है इस रिपोर्ट में। क्या बच्चे सीख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, सीख रहे भी हैं कि नहीं रहे हैं, यह इस रिपोर्ट में भी पूछा गया। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 14 से 18 वर्ष के जो स्टूडेंट हैं उनका स्कूल में नामांकन 86.8% है और युवाओं में से 90% के पास घर पर स्मार्टफोन है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। सर्वाधिक युवा कला स्ट्रीम आर्ट साइड लेते हैं, 11 के बाद 11 में इसमें भाग लेते हैं, आर्ट्स ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मूल संविधान में किस सूची का विषय है? वर्तमान में संवर्ती सूची का विषय है, लेकिन पहले ये राज्य सूची का विषय था, फिर 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में और इसको संवर्ती सूची बनाया जाता है। वन्य जनसंख्या, शिक्षा, वन जीव, मापतौल, इन सबको संवर्ती सूची में लाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया जाता है और इसको जोड़ा जाता है राइट टू एजुकेशन। डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हाल ही मिला है NCERT को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग मिला है? तो टोटल 12 उत्पाद को मिला है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपादानी कपड़ा, मुनप्पा कपड़ा और न्यायसी कपड़ा। GI टैग 1999 का अधिनियम होता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। पहला GI टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग चाय को, पश्चिम बंगाल का था। अभी हाल ही में 12 उत्पाद को GI टैग दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश के सारे उत्पाद हैं। इम्पॉर्टेंट देखिए, आपादानी कपड़ा है, मोनपा कपड़ा है और न्यायसी कपड़ा है। वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनके द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं उसी कपड़े का नाम रख दिया गया है, जैसे मोनपा वहाँ पे ट्राइब्स रहती है। नेक्स्ट आपका चुरपी, याकनी का पनीर है, तांगसा वस्त्र, खामती चावल, इन सबको GI टैग दिया गया है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका ललन टॉप, नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, माउलिंग, ये सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बॉम डीला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाब जो दर्रा है यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है।
अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना था 1987 में, इसी के साथ आंध्र प्रदेश और गोवा भी बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। भारत का लोएस्ट डेंसिटी जनघनत्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और सर्वाधिक कहाँ पर है, दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा, फिलीपींस को करेगा। भारत निर्यात करने जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का कितने में, 3.75 मिलियन डॉलर में, किसको, फिलीपींस को। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 2.5 मैक है इसकी ध्वनि की स्पीड। इसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, दागो और भूल जाओ यह मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला लुजाने द्वीप पर है। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवाशा। यहीं पर रेमन मैक्से अवार्ड दिया जाता है 2023 का दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नर को, कैंसर रोग विशेषज्ञ है, और पहला रेमन मैक्से अवार्ड दिया गया था विनोबा भावे को। नेक्स्ट है आपका सवत्र ये मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, मतलब दो पहाड़ी अगर उसके बीच में ब्रिज लगाना है तो ये मतलब मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, मतलब हाथ से ले जाया जा सकता है। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका नाम है अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है, यह मिला है अरिजीत मिश्रा को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार अरिजीत मिश्रा को मिला है, इंग्लैंड के वकील हैं, भारतीय मूल के हैं, इन्हीं को यह अवार्ड मिला है, प्रदान किया जाता है लंदन में ही। नेक्स्ट है आपका पदम पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या किसको मिला है, जावेद अख्तर को मिला है। नेक्स्ट आपका आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं उस्मान ख्वाजा, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली, आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव बने हैं लगातार दूसरी बार। सीके नायडू अवार्ड मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई है, यह प्रारंभ हुई है विशाखापट्टनम में। अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 14वें क्रम का है, विशाखापट्टनम, इसको बिजाग भी कहा जाता है, यहाँ पर यह प्रारंभ की गई है। पहला कब हुआ था, 2009 में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु में, त्रिची मदुरे कोयम्बटूर यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। शुभंकर है वीरा मंगाई बहादुर महिला, और इसमें कौन सा खेल शामिल किया गया, स्क्वैश। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेला जाएगा, इससे पहले 37 नंबर का गोवा में खेला गया, इसका शुभंकर था मोगा। पहला स्थान किसका आया है उसमें, आप लोग कमेंट करिए पहला स्थान किसका आया है। नेक्स्ट आपका डीजीपी सम्मेलन जयपुर में हुआ है। विंग्स इंडिया ये कहां पर हुआ है, बेगमपेट हैदराबाद में, और बेस्ट एयरपोर्ट बना है दिल्ली और बंगलुरु। नेक्स्ट है आपका हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है, इसका नाम है DATSG। यस जी का मतलब सेकंड जनरेशन, DAT डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन, मछुआरों को आपदा आपातकाल के समय उनकी नौका पर अलर्ट भेजना या काम करेगा, अलर्ट भेज देगा अगर कोई आपदा आ रही है तो वो मछुआरों को अलर्ट भेज देगा। सेकंड जनरेशन का है और एडवांस है। निर्माण किसने किया, इसरो ने निर्माण किया है। मछुआरों की नाव कहाँ पर है इसका पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए नाविक यूज किया जाएगा, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, GPS की तरह काम करेगा, GPS ही है नाविक लगा के, तो इससे पता चल जाएगा मछुआरों की नाव कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापान से हारकर भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में रही विफल। अब हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। देश की राजधानी और मुद्रा, देश यूक्रेन, राजधानी है कीव और मुद्रा है रिवेन्या। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। भूटान को थंडर बोल्ट कंट्री भी कहा जाता है, इसकी राजधानी थिम्पू और मुद्रा है यहाँ पर न्यू गुल ट्रम। म्यांमार इसको कहा जाता है गोल्डन पैगोडा, इसकी राजधानी नापीता और यहाँ की मुद्रा है कयात। नेक्स्ट आपका चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनबी युवान। यह भी मुद्रा और राजधानी इंपॉर्टेंट है, और जो सर आज के करंट अफेयर में करा है उसको मैं कल लिखी नहीं थी इसलिए मैंने ये ले लिया, कल लिखकर फिर उसको आपको लोगों का रिवीजन करा दूंगी। नेक्स्ट है आपका चीन हो गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, राजधानी मुद्रा है रिंगिट। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वान। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा और यहाँ की मुद्रा है विर्रे। दक्षिण अफ्रीका तीन राजधानी है प्रिटोरिया, कैपटाउन और ब्लोम फाउंटेन और यहाँ की मुद्रा है रैंड। वेनेजुला इसकी राजधानी है कराकश, मुद्रा है वोलीवर। इजराइल इसकी राजधानी जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकल। नेक्स्ट है आपका इजराइल का हो गया। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। डेनमार्क कोपेनहेगन राजधानी है, मुद्रा यहाँ की है क्रोन। नेक्स्ट है आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक
और मुद्रा है बहात। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा है रूबल। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा है डोंग। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा है लीरा। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।